भारत और कनाडा की टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं, और ये टेंशन सिर्फ भारत और कनाडा के बीच के नहीं हैं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है। भारत में इसको कैसे देखा जा रहा है और किस तरह इसको डील करने के हवाले से भारत में सोचा जा रहा है? एक तो हमें इंटरनेट से पता चलता है, लेकिन जो डीप डाउन बातें हैं, जो एनालिटिकल बातें हैं, जो एकेडमिक बातें हैं, वो आज हम प्रोफेसर धीरज शर्मा जी से करेंगे। अभी रिसेंटली प्रोफेसर साहब यहाँ पर थे, कनाडा में चंद दिनों के लिए थे, और फिर कनाडा में कई साल पहले वो पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे। आज हम रोहतक से उनके इंस्टीट्यूट IIM रोहतक से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि अभी तो आप पिछले हफ्ते ही इधर थे, और इस हफ्ते जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ठीक ठाक टैं पटास हो गई है कनाडा और भारत के बीच, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर वाजे तौर पर कहा कि जो यहाँ पर एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर मिस्टर निजर का जो यहाँ पे मर्डर था, उसके पीछे भारत है। भारत में इस सारी सिचुएशन को सर कैसे एकेडमिकली देखा जा रहा है, इंटेलेक्चुअली देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम ट्रूडो की स्टेटमेंट को एनालाइज करें, द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट ही सेड, सो ही हैज सेड, ही हैज यूज्ड टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. वन दैट कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर परस्यूइंग, व्हिच मींस अभी कुछ उनके हाथ नहीं आया है, वो परस्यू कर रहे हैं. सेकंड वर्ड दैट ही हैज यूज्ड इज पॉसिबल लिंकेजेस, पॉसिबल लिंक्स, व्हिच पोटेंशियल मींस लिंक्स। देर आर नो कॉन्क्रीट लिंक्स. ही हैज सेड दैट देर इज पोटेंशियल और पॉसिबल लिंक्स. ये जो स्टेटमेंट है, इट इज सो वेल ड्राफ्टेड. सो ही हैज नॉट जस्ट कम आउट विद दिस स्टेटमेंट, ही हैड प्रिपेयर्ड दिस स्टेटमेंट, एंड इसमें इट कुड गो इधर वे. तो ट्रूडो जी ने एक बहुत ही अल्टीमेट एक पत्ता खेल दिया है. उनको पता है वहां अभी उनकी जो गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट है एक ऐसी पार्टी के ऊपर जिसकी जो थॉट प्रोसेस जो है वो अलाइंड है, जिसके लीडर जो हैं ओपनली बात करते हैं ऑन एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और एंटी इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर. यहां तक कि उन्होंने तो रक्षाबंधन के ऊपर भी स्टेटमेंट दे दिए कि भाई आई डोंट बिलीव इन रक्षाबंधन, और उसको भी उन्होंने मिजोजिनिस्टिक और उसको भी उन्होंने एंटी वुमेन का अपने ओपन ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट दिया. ऐसे इंसान और ऐसी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर उनकी डिपेंडेंस है. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने वोट बैंक को, एक उसका वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का प्रयास, बिकॉज उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें इतने सारे कैवियट्स हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं. इट स्टार्ट्स विद यू नो परस्यूइंग, व्हिच मींस नथिंग कॉन्क्रीट. आप निज्जर की असैसिनेशन को आज मेरे ख्याल से कोई 3 या 3-1 महीने तो हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली. तो 2-3 महीने में यू नो इट इज स्टिल शोइंग एज परस्यूइंग. उसकी कोई यू नो जिसे कहते हैं कि कोई FIR या जिसको कहते हैं ना कोई रिपोर्ट या कोई सस्पेक्ट्स, वो कोई अभी तक कुछ बने ही नहीं है, कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं है उस तरह से. अगर आप कनाडा में देखें तो ये बहुत बड़ा एक लूप होल है. दूसरा लूप होल है ही सेइंग देयर आर पोटेंशियल और पॉसिबल लिंक्स, व्हिच मींस कोई लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हुए. सो दैट्स द फर्स्ट केस ऑफ ट्रूडो प्लेइंग द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. सेकेंड जो केस है, जो कि आई थिंक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का होगा आपके व्यूअर्स को भी, जो मुझे लगता है दिस इज अ लार्जर गेम प्लान. कनाडा जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है, वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और I5 का हिस्सा है, जिसे हम I5 गिनते हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मेरे ख्याल से उसमें जर्मनी या फ्रांस अनदर आई इज देयर. सो ये जो I5 का जो हिस्सा है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, G20 का भी हिस्सा है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट देश है इन टर्म्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैं उसके पास. पर
उसकी पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है, उसकी कोई आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या उसकी कोई ग्लोबल स्टैंडिंग नहीं है, डिपेंड्स ऑन अमेरिका। सो मेरा ये, अगर आप स्पेक्यूलेशन लगाएं, तो मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न फ्रंट इज पॉसिबली यूनाइटिंग बिहाइंड, इज लाइकली टू यूनाइट बिहाइंड दिस टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया टू अलाइन विद देम, बिकॉज इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट ऑन इट स्टैंड डिस्पाइट सो मच प्रेशर, रशिया यूक्रेन वॉर का इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद के उनको एक साइड पे आना चाहिए, वो प्रेशर उन्होंने झेल लिया, और उसके बाद अब इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अभी आज अर्दोजान दीदी ने स्टेटमेंट दी दी है और कश्मीर इशू रेज कर दिया यूएन। सो दीज थिंग्स आर नॉट जस्ट हैपनिंग, दे आर वेरी वेरी सिंक्रोनाइज्ड। दिस इज एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एज अ पर्सन हु स्टडीज स्ट्रेटजी एंड टीचेस स्ट्रेटजी, आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेटजिक मूव। It will have long-term consequences, not just for India and Canada. It will have long-term consequences for the world. ये ट्रूडो साहब ने जो ये छेड़ा है, जिसको इसको इसको हम कहते हैं कि बीज के हॉर्नेट को जो छेड़ना, अब इसके consequences long term होने वाले हैं। वो consequences क्या हो सकते हैं? और भारत अपने एंड पे, जिस तरह आप समझ रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है, तो भारत अपने तौर पर उन कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे फेस करेगा या चैलेंज करेगा? देखिए जी, भारत की स्ट्रेंथ ये है कि एक मुल्क की जो नीड्स होती हैं, वो वी आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट नेशन। भारत की इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं फॉर इट्स एनर्जी नीड्स, जिसके ऊपर वो दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी किसी नीड के लिए भारत किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। एनर्जी नीड्स आर द ओनली नीड्स, व्हिच मींस गैसोलीन पेट्रोल, वो उसके लिए भारत के पास बहुत सारे जरिए हैं। अगर भारत फ्रंट्स खोलना शुरू कर देगा तो दुनिया का सबसे बड़ा, आपके व्यूअर्स को जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का, जो जहां पर ऑयल सबसे ज्यादा अवेलेबल है, दैट इज नॉट सऊदी अरेबिया, दैट इज नॉट ईरान, दैट इज वेनेजुएला। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल है दुनिया में, द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स आर इन वेनेजुएला। इंडिया कैन डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू ईरान, फ्रॉम ईरान टू वेनेजुएला। अदर देन दैट, भारत के इंटरेस्ट के ऊपर, अदर देन द प्रेशर, कोई इंटरनली इकोनॉमिकली कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, कैनेडा के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले कनाडा ने बड़े बोस्टफुली पिछले साल ये कहा था कि हमारे यहां पर 2.5 से 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ये हमारी आईएम रोहतक में अभी ऑनगोइंग स्टडी चल रही है ऑन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट वीजास एंड पीपल गोइंग आउटसाइड द कंट्री। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ टिपिकल पर्सन इन लीविंग पंजाब coming to Canada is approximately 40,000 Canadian dollars. That's the average expenditure. ठीक है ना, वो पहले जमा कराता है वहां जाकर, वीजा फीस जो आईलेट्स लेता है, उसके बाद एयर टिकट खरीदता है, वहां जाकर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का खर्चा करता है। ये मैं उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो वो आपको पता है जरा लीगल वेज टू अर्न मनी, इलीगल वेज टू अर्न मनी स्टूडेंट्स वो सब करते हैं। तो अगर आप इसे 40,000 को आप 2.5 लाख से ही मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अबाउट 10 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, कैनेडियन डॉलर्स, 10 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स, दैट विल बी इंपैक्टेड इमीडिएटली। तो कनाडा का जो डिपेंडेंस है, अगर कनाडा इसको तूल देता है और इससे बैकअप नहीं होता, दैट इज एन इंस्टेंट डैमेज। अगर मान लीजिए डिप्लोमेटिक टाइज सेवर हो जाती हैं, अभी तो डिप्लोमेटिक टाइज फुली सेवर नहीं हुई है, उन्होंने इंडिया का, हमने यहाँ से कनाडा का जो नंबर टू जो एम्बेसडर का काउंसलर लेवल का, उसको आई थिंक एक्सपेल किया गया है, और वहां से उन्होंने रेसिप्रोकेट करके, वो यही चलता है रेसिप्रोकल वहां से इंडिया का। तो ये अगर मान लीजिए डिप्लोमेटिक टाइज ही खत्म हो गए, तो फिर एम्बेसीज ऑपरेट नहीं करेंगे, तो ये 10 बिलियन डॉलर की जो एनुअल रेवेन्यू आ रही है, एंड दिस इज नॉट 10 बिलियन डॉलर अलोन। When those people come, they provide cheap labor. You know it, I have witnessed it.
Can the Canadian coffee shops, can the Canadian McDonald's and Wendy's and Burger King's run without the strength of the international students who are coming there, who are working for lowly wages, 10-12-15 dollar per hour के ऊपर वो लोग काम करके वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस बिकॉज उनकी जरूरतें हैं. इट वुड बी रेयर एक्चुअली टू फाइंड अ नॉन इमिग्रेंट इन 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 टोरंटो और इन मॉन्ट्रियाल और इन वैंकूवर और इन कैलगरी और इन एडमिंटन हु आर रनिंग दिस. सो दैट विल बी द सेकंड इम्पैक्ट. उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है दैट आई थिंक द इकोनॉमिक आउटपुट जेनरेटेड बाय दोज पीपल इज अनदर यू नो 10 to 15 बिलियन डॉलर्स जो उनका इकोनॉमिक आउटपुट जेनरेट कर रहे हैं वहां से. सो ओवरऑल इसका कनाडा के ऊपर तो बहुत बड़ा शदीद इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. भारत के ऊपर इसका पॉलिटिकल प्रेशर आएगा फ्रॉम द वेस्ट एंड इंडिया विल हैव टू बी रेजिलियंट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इनोवेशन के ऊपर या इन द यूएन इट विल बी इनक्रेडिबल प्रेशर और देयर विल बी एन ऑनस्लॉट ऑफ द व्हाट्सएप फैक्ट्री एंड द फेसबुक फैक्ट्री एंड द इंस्टाग्राम फैक्ट्री विल जेनरेट humongous amount of material which in the West will attempt to portray India as the villain, whereas India actually is the victim in this entire thing. जी आप कह रहे हैं कि वेस्ट की तरफ से पोटेंशियल कोशिश हो सकती है कि इंडिया पे बहुत प्रेशर बने और उसको विलन के तौर पर पेश किया जाए. कनाडा में तो इस वक्त मीडिया और कनाडा के बहुत सारे ग्रुप ऑलरेडी ये काम कर ही रहे हैं. इस सारी सूरत हाल में आपने कहा कि भारत को रेजिलिएंट होने की ज़रूरत है, मगर इस जो सिचुएशन है इसको रिजॉल्व भी तो किया जा सकता है दोनों तरफ से. भारत इसको रिजॉल्व करने के हवाले से कैसे देखता है और कैसे सोचता है? आई डोंट बिलीव के कनाडा इज इन द वाज इन द मूड टू रिजॉल्व. कनाडा अगर इसको मूड को रिजॉल्व करने के मूड में होता तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं होता. वो इसको थ्रू एजेंसी टू एजेंसी थ्रू होम डिपार्टमेंट टू होम डिपार्टमेंट देर इज अ कोऑपरेशन देर इज अ मैकेनिज्म इंटेलिजेंस हेड्स मिलते हैं सब एक दूसरे को. वो इस इंटेलिजेंस शेयरिंग इंटेलिजेंस कोऑपरेशन कैनेडियन इंटेलिजेंस हेड के इंडिया नहीं आते अभी मेरे ख्याल से ये पिछले 12 से 18 महीने में वो इंडिया चक्कर लगा के गए होंगे. ऐसा तो होता नहीं. सो इफ देर वॉज एन इंटेंट फ्रॉम द कैनेडियन साइड टू रिजॉल्व दिस मैटर तो मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं आया. तो इन्होंने ट्रूडो जी ने इसको बड़े मतलब वॉलेटाइल तरीके से और बड़े जुबेनाइल तरीके से इसको हैंडल किया है. इसमें उनकी शरारत तो है ही. अब देखते हैं उनको इसके आउटकम्स क्या मिलते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो कनेडियन सोसाइटी को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इसके ये भुगतने पड़ेंगे. कनेडियन सोसाइटी भी डिवाइड हो जाएगी. इट विल रिजल्ट इन डिविजन इन कैनेडियन सोसाइटी. इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कैनेडियन गवर्नमेंट को देखने चाहिए. भारत मुझे ऐसा लगता है वुड बी ओपन टू रिजॉल्विंग दिस मैटर. ऑल्दो उन्होंने भारत की इतनी बेइज्जती कर दी फिर भी भारत मुझे लगता है कि आई फील के दे वुड बी विलिंग टू रिजॉल्व. मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी प्रूडेंट फॉर इंडिया टू टेक अ रिकनसिलिएटरी टोन एंड रिजॉल्व द मैटर. बट और बट आई स्पेक्यूलेट कि कनाडा ऐसे रिजॉल्व नहीं करेगा और उनके इंटरेस्ट में नहीं ऐसे रिजॉल्व करना. वो ऐसे पॉलिटिकल गेन्स के लिए बनाएंगे और कैनेडियन सोसाइटी के ऊपर इसका डिवाइसिव इंपैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में आएगा. जी आप ये कह रहे हैं कि कैनेडियन सोसाइटी के ऊपर इसका डिवाइसिव जो एस्पेक्ट है वो लॉन्ग टर्म है. तो चलिए वो तो कैनेडा अपने मामलात को डील कर लेगा और हर देश करता है. भारत के भी आपने कुछ चैलेंजेस बताए कि इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट होगा. तो भारत इस वक्त बहुत ऑन बोर्ड है. हम यूएस के साथ भी देखते हैं, फ्रांस के साथ भी देखते हैं, जापान के साथ भी देखते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी देखते हैं. तो आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप थोड़े से सौर होंगे? इंडिया यूएस रिलेशन बहुत स्ट्रांग है. इट इज बियॉन्ड दीज स्मॉल मेजर्स. बट आई डोंट रियली आई इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्पेक्यूलेट एट दिस पॉइंट इन टाइम के ये ट्रूडो साहब ने विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज पीयर्स लिया है या सुओमोटो डिसीजन लिया है या उन्होंने कंसल्टेटिव प्रोसेस से ये डिसीजन लिया. क्योंकि
क्योंकि ये ऐसा मैटर है जहां पर उनके जो ओपोनेंट हैं, पहले दिन तो उनके जो ओपोनेंट हैं यू नो पियर पॉलिवर, उन्होंने भी इनको कैसेट सपोर्ट दे दिया था, बट बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे पियर पॉलिवर ने अच्छा स्टेटमेंट दिया कि ही हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रूफ ऑफ ऑल ऑफ दिस, और ये स्टेटमेंट जो है इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा खालिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर ले जाना चाहता हूं, और आपके चैनल के जरिए से मैं दो चीजें सेपरेट करना चाहता हूं, खालिस्तान एंड सिख रेडिकलिज्म। खालिस्तान ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं कि इवन भिंडरांवाला ही हैड नॉट मेंशन्ड द वर्ड खालिस्तान। बहुत सारे लोग इसके ऊपर स्पीचेस एनालिसिस करके बताते हैं कि भिंडरांवाले ने कभी ये शब्द का खालिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया। सिख होमलैंड की बात होती है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि भारत की फौज का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आज भी सिख है। सिक्स आर यू नो एंटरप्रेन्योर, सिक्स आर ब्यूरोक्रेट्स। मेरे ख्याल से बारिंग अ स्मॉल एलिमेंट जिसकी प्रेजेंस लार्जली कनाडा और यूके में है, सिक्स जो हैं दे आर वेरी हैप्पी इन इंडिया। इंडिया उनका होमलैंड है, उनका अपना देश है, और उनका इतना लव एंड रिगार्ड है सोसाइटी में, उनका लव एंड रिगार्ड है, और वो लव एंड रिगार्ड करते हैं, इंटर मैरिजेस हैं, इट इज अ वेरी वेरी यू नो क्लोज नेट सोसाइटी। तो खालिस्तान को हम सिख रेडिकलिज्म से सेपरेट करेंगे। सिख रेडिकलिज्म जो है उसकी उपज जो है और उसको जो टैसिट इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सपोर्ट जो मिली है वो भारत के बाहर मिली है, भारत में नहीं मिली, भारत के बाहर मिली है। इसकी जो उपज है दैट स्टार्टेड इन नाइन पोस्ट 1971 इंडिया इंडो पाकिस्तान वॉर, बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने ये डिसीजन ले लिया था कि वो ब्लीड करेंगे इंडिया को विद 1000 कट्स। ये उनकी स्टेटमेंट भी है, और उसके बाद उन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट करने का एक मिशन लगा लिया, सिख रेडिकलिज्म को सपोर्ट। उनका कोई मोटो नहीं है खालिस्तान। खालिस्तान में से आज अगर ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो पंजाब का मेरे ख्याल से कोई 60% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो खालिस्तान में वो भी आएगा क्या? और पंजाब के इंडिया में 3 हिस्से हैं, पंजाब हरियाणा और हिमाचल के, वो भी आएगा इसमें? तो और उस जमाने में अगर आप ये जो मैप्स से जो बेवकूफ लोग मैप्स दिखाते हैं कि पुराने जमाने में महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे जो सिख अंपायर था उसमें उसमें तो फिर कश्मीर भी इंक्लूडेड था, उसमें तो पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड था, उसमें दिल्ली भी इंक्लूडेड था, उसमें पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी इंक्लूडेड था। तो ये यू नो इंटेलिजेंट प्रैग्मेटिक सिख इन इंडिया टॉक्स अबाउट खालिस्तान एंड नीदर इन कैनेडा और इन यूएस, जो प्रैग्मेटिक इंटेलिजेंट ये फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं, सो वी विल सेपरेट खालिस्तान फ्रॉम रेडिकल सिखिज्म, रेडिकल रेडिकल सिक्स, आई विल नॉट से सिखिज्म, रेडिकल सिक्स जो रेडिकल हो चुके हैं। तो रेडिकल जो सिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं जी, उनको पाकिस्तान से पहले सपोर्ट मिला। देर इज एविडेंस अवेलेबल कि जगजीत सिंह परमार हैड गॉन एंड मेट जियाउल हक, उनकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल। उसके बाद जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका असैसिनेशन हुआ है, ये अपना हरदीप अजीत सिंह सिंह निज्जर निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर जिनका असैसिनेशन हुआ है, इनके इनकी कनेडियन सिटीजनशिप तो इन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 दफा डिनाई की है, और अभी भी ट्रूडो साहब बात कर रहे हैं अबाउट कनेडियन सिटीजन्स। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मे बी यू कैन करेक्ट मी, आई डोंट बिलीव हरदीप सिंह निज्जर वॉज अ कनेडियन सिटीजन। नहीं, वो अभी कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने वेरीफाई किया है कि 3 मार्च 2015 को वो कनेडियन सिटीजन हो गए थे। अच्छा, हो गए, हाँ, उन्होंने हो अपने गए। ट्विटर पे 2 रोज पहले ये बात वेरीफाई की है। हाँ, तो ये अब आप दैट दिस इज वेरी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग देन फिनोमेना कि देर इज अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, एक्यूज्ड ऑफ न्यूमरस थिंग्स, इतने सारे चीजों का एक्यूजेशन है, और उनकी सिटीजनशिप को 2 बार डिनाई भी किया है कनाडा ने। कनाडा ने उनको एक्सट्राडाइट करने से मना कर दिया इंडिया को। तो इट इज नॉट अ सिंपल केस
कि कनाडा अगर इस इनको एक एवरेज कैनेडियन सिटीजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आई डोंट बिलीव दैट इज अ प्रूडेंट थिंग फॉर देम टू डू. वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज दैट के इन नॉर्थ अमेरिका, पर्टिकुलरली कनाडा, यूएस में सम पार्ट्स, लॉट इन यूके, लॉट ऑफ सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गुरुद्वारा, बिकॉज दे प्रोवाइड एन इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन फॉर द सिख कम्युनिटी. सिख कम्युनिटी वहां पर आती है, सो वहां पर पोलिटिकल फैक्शन पैदा हो जाते हैं. पोलिटिकल फैक्शन पैदा हो जाते हैं, दे मोबिलाइज पीपल, दे मोबिलाइज पीपल, तो उसका पोलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है, उसका सोशल इम्पैक्ट भी होता है. तो इसीलिए मैं इस बात को कह रहा था, इसका जो पोलिटिकल सोशल इम्पैक्ट है, ये कैनेडियन सोसाइटी को डिवाइड करेगा. वो डिवाइड, पहला डिविजन जो होगा दैट विल बी नाउ डू यू थिंक दैट कैनेडियन हिंदूज आर नाउ वल्नरेबल आफ्टर ट्रूडो स्टेटमेंट? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ट्रूडो स्टेटमेंट ऑफ कैनेडियन हिंदूज? आई बिलीव दे वुड बी इन द स्टेट ऑफ फ्राइट, दे वुड बी स्केयर्ड कि आपने ऐसे ओपनली ब्लंटली इंडिया को एक्यूज कर दिया है. और जो कैनेडियन इमिग्रेंट्स वहां पर बैठे हैं, जो वर्क वीजा पे हैं या वो जो पीआर लेकर बैठे हुए हैं, दे विल बिकम वल्नरेबल सेगमेंट. उनके ऊपर अगर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं नाउ बाय दीज रेडिकल फ्रिंज एलिमेंट्स इन द सिख सोसाइटी, फिर क्या होगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सो आई एम सेइंग दैट मिस्टर ट्रूडो हैज क्रिएटेड अ पोटेंशियल सिनारियो by virtue of which there could be a lot of conflict going forward and lot of divisiveness in Canadian society. So iske upar aap yahan par Angus Reid ek survey karti hai, us survey mein already there are hostilities of Canadian people, jo Canada ke local log hain, jo log rural societies mein reh rahe hain, who are not pursuing this woke culture, jo actually you know thoroughbred Canadians hain. They already have resentments about certain aspects of people from certain faiths. Particularly in that regard, are people following Islam or people following Sikhism? Unke views hain, bade strong views hain unke unke bare mein, on the way they project themselves, on the way they are able to. Iske upar bahut sare issues hain. Bacche school mein kal ko jayenge, un schools mein kya issues aayenge phir? I mean, how can you control those issues? We have already witnessed in Canada way back in 90s when Sikhs became a force in Vancouver area in terms of pursuing violent means because they were suffering in schools. Schools में उनके साथ racism होता था, उनको पैकी पैकी बुलाया करते थे. और इसके ऊपर बहुत सारे YouTube पे videos available हैं कि उस generation से बहुत सारे Sikh youth जो हैं वो gangsters बन गए थे. उनमें कई नाम आपको आज भी वहां पे मिल जाएंगे. बिंडी जौहल एक बड़े पुराने उस टाइम पे, उनके यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिलेंगे. और अगर उनकी आप बात करेंगे यू नो सिख वॉरियर्स एंड के हाउ स्कूल्स में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था एंड हाउ दे वर ट्रीटेड सो बैडली, आर वी नाउ गोइंग टू टेक द सोसाइटी इन कैनेडा एंड रिग्रेस इट टू 40 ईयर्स? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? दुनिया आगे बढ़ रही है, आप 40 ईयर्स पीछे जा रहे हैं. ये बड़े इसके ऊपर डिफिकल्ट इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं जी. आखिर में दो एक बातें प्रोफेसर धीरज जी जो मैं आपसे जानना चाहूँगा. देखिए, हरदीप सिंह निजर का जो यहाँ पे कत्ल हुआ, उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता. वो एक अफसोसनाक बात है, भले से उनका माजी कुछ भी हो, क्योंकि वो कैनेडियन लॉ के मुताबिक, कैनेडियन सिस्टम के मुताबिक वो यहाँ पे रिसेंटली कोई क्रिमिनल नहीं थे. तो अब वो जाहिर है, अब कैनेडियन सिटीज़न भी थे तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का एक कंसर्न है कि भी कैनेडियन सिटीज़न का मारे जाना, वो जाहिर है कनाडा का मसला है, कनाडा को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी तो वो हम उसको उसके मुताबिक डील करेंगे. जो सिस्टेमिक रेसिज्म है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अनफॉर्चुनेटली आज भी हम देखते हैं, उसकी भी आपने बात की. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि जो सिख कम्यूनिटी एट लार्ज वो कनाडा से भी मोहब्बत करती है, भारत से भी मोहब्बत करती है, और जो आप कहते हैं जो आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि सिख रेडिकलिज्म जो है वो एक फ्रिंज एलिमेंट है, तो वो जो एक एट लार्ज कम्युनिटी है वो भारत में और कनाडा में या अमेरिका में कैसे इस मैटर को देखे और कैसे बताए कि हम इस फ्रिंज कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है?
देखिए, मैं अभी कनाडा आया था। मैं बहुत सारे अपने मैं पंजाब से हूं, मैं अपने सिख भाइयों से मिला। आई मस्ट टेल यू दैट मोस्ट ऑफ दी सिख पीपल हु हैव बीन इन कनाडा, जो कैनेडियन सिटीजन हैं और जो सेकंड जनरेशन है, उनको भारत से बड़ी मोहब्बत। एंड दे लॉन्ग एक्चुअली, अगर आप कोई गेट टुगेदर में जाएं तो वो वही पुराने 60s और 70s के पंजाब के गाने गाते हैं, और पंजाबी और फिल्मों के बारे में उनको जो रुचि है, भारत की पॉलिटिक्स में उनको अभी तक रुचि है। दे मे बी क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे मे बी सपोर्टिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट दे हैव इंटरेस्ट इन इंडिया। इसीलिए प्यार है, तभी तो वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक वॉट दे नीड टू डू इज, आई थिंक दे शुड ओपनली कम आउट एंड टॉक अबाउट दिस, कि ये जो अभी जो डिस्कशन चल रही है, दिस हैज टू बी हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल्स एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम अ टूल ऑफ पॉलिटिकल लेवरेज। ये एक मैच्योर सोसाइटी में ये जो असैसिनेशन हुआ है, इसको दी प्रोफेशनलिज्म ऑफ कैनेडियन इंटेलिजेंस एंड कैनेडियन जो आरसीएमपी है वहां पर, उसका तब पता लगेगा जब वो खोज निकालकर कुछ क्रेडिबल किसी को इंडाइट करें, किसी को कन्विक्ट करें, बट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसके अगेंस्ट है। तो मैं पहले तो अपील करूंगा, जो आपका क्वेश्चन है, कि जो सिख कम्युनिटी है उनको ये दिखाना है कि दिस दिस डज नॉट रिप्रेजेंट किलिंग ऑफ अ नॉर्मल सिख सिटीजन। दिस इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ अ पर्सन हु वाज ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी एक्टिविटीज, एलिजिटली और अदरवाइज। देर आर मेनी एक्टिविटीज, यू कैन नॉट कंसिडर दिस एन दिस इज लाइक अ नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जिसको असैसिनेशन कर दिया गया है। दिस इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हमारे जो जो वहां पर सिख भाई हैं, दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्कवर, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। जो मेरा फीलिंग है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे नो हाउ दिस इज गोइंग टू बी प्लेड आउट इन इन पॉलिटिकल डोमेन एंड हाउ दिस इज गोइंग टू प्ले आउट इंटरनेशनली। सो मैं इतना ही कहूंगा कि दे मस्ट सेंसिटाइज देयर यंग वंस एट होम टू सेग्रीगेट। एंड ऑल्सो हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर कैनेडियन इंटेलिजेंस डजंट रियली स्पीक वेल ऑफ व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट। 1986 में जो कनिष्का एयरलाइन का जो जो जी बॉम्बिंग की 1985 थी, 1985 में जी जो कनिष्का की बॉम्बिंग हुई थी, उसमें मेरे ख्याल से 360-70 की कैपेसिटी थी उसकी, उसमें से 280 के करीब कैनेडियन सिटीजन ही थे और उसमें से 90% कैनेडियन इंडियंस ही थे, ठीक है ना जी। उसकी अभी एनिवर्सरी आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो जो सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं वहां पे, वो उसको कमेमोरेट करें, बिकॉज दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस ऑफ द फेलियर ऑफ कैनेडियन सिस्टम, कि जहां पर उन्होंने इसके ऊपर कमीशन बनाने में पहले तो 20 साल लगा दिए, 21 साल, फिर उस कमीशन की कोई रिपोर्ट शिपोर्ट आई उसकी, उसको 25 बार चैलेंज किया और उसमें एक कन्विक्शन हुई। एक कन्विक्शन में भी उन्होंने ऐसा उसके साथ पहले तो कोई डील मुहैदा किया कि ही विल प्रोवाइड इंटेलिजेंस ऑन द अदर पीपल, और उसको लाइटर सेंटेंस दे दिया। बाद में उस बंदे ने अपनी टेस्टिमनी को रिकेंट कर दिया और उसको लाइटर सेंटेंस दे के वो बाहर आ गया। और एंटायर एपिसोड डेमोन्स्ट्रेट्स दैट देर वॉज एटलीस्ट अ डिफरेंशियल आई दैट दी पीपल इफ इफ ऑल दोज आई डोंट नो आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग डू यू थिंक द इंक्वायरी वुड हैव बीन लाइक दिस इफ द आउट ऑफ द 280 पीपल दोज 80-90% वर नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, इफ दे वर ऑल कैनेडियन नॉट फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, व्हिच मींस कैनेडियन कैनेडियन व्हाइट कैनेडियंस, अगर वो होते तो क्या इंक्वायरी एक दूसरा रास्ता लेती? आई डोंट नो, बट आई स्पेक्यूलेट, यस इट मे हैव टेकन अ डिफरेंट, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि इतना उसकी इंटेलिजेंस उस टाइम पे थी। आप ही की रिपोर्ट है, कनाडा की ही वो रिपोर्ट है, वो कहते इतना इंटेलिजेंस अवेलेबल थी कि वो
ये करने वाले हैं, बॉम्बिंग करने वाले हैं, एंड इट वॉज इग्नोर्ड, नोबडी पेड एनी अटेंशन टू इट. ये कनाडा की रिपोर्ट है, ये जो कमीशन ने रिपोर्ट दी है. एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट? हाउ डू यू हील द वूंड्स ऑफ ऑल दोस 280 90 पीपल जिनकी फैमिलीज परमानेंटली खत्म हो गई हैं, परमानेंटली जिनके जिनके दे हैव सफर्ड नॉट जस्ट इमोशनल साइकोलॉजिकल सोशल ट्रॉमा बट देयर लाइव्स हैव चेंज्ड ऑल टुगेदर. उनकी हीलिंग कैसे की? देयर इज नो रेस्टिट्यूशन फॉर दैट. उसकी कोई रेस्टिट्यूशन नहीं. लोग भूल गए हैं, बहुत सारे लोग भूल गए हैं कि अगेन दैट वॉज ऑल्सो डन एज पार्ट ऑफ रेडिकलिज्म बाय दिस फ्रिंज एलिमेंट. काइंडली द व्यूअर्स मस्ट रिमेंबर कि कनिष्का बॉम्बिंग वॉज अ टर्निंग पॉइंट एट दैट पॉइंट, कि जब वो हुआ उसके बाद सिखों ने ही एक ऐसे मोर्चे और ऐसे मुहिम चलाई कि वो इस रेडिकलिज्म के पीछे नहीं आएंगे. मेरे ख्याल से वो समय अब फिर आ गया है. They must demonstrate and come out and say they will not participate in this radicalism, and they don't. Largely, what I am noticing, what I have gathered, is all these mostly unemployed youth jo hai wo ikattha ho jata hai in sab cheezon mein. Partly it is for fun, and partly it is just to make some news, and partly it is to get political asylum. Ye to ek nexus bhi hai. So these are all very complex issues. पर आपके चैनल के जरिए आपने मुझे कुछ कहने को कहा, तो मैंने कहा one thing which the Sikh population and the Hindu population of Canada is that they must commemorate the Kanishka bombing and remember all those people who have suffered as a result of radicalism. जी देखिए, कनिष्का के हवाले से 23 जून को हर साल वो उसको याद किया जाता है, उस दुख भरी घटना को. इस साल भी याद किया गया और मुख्तलिफ शहरों में कनिष्का बॉम्बिंग मेमोरियल साइट्स बनी हुई हैं. वो एक अपनी जगह पे सागा है. मैं बहुत धन्यवाद हूँ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, आपने वक्त दिया, और आने वाले दिनों में हम फर्दर आपसे इनपुट लेंगे कि भारत में इस हवाले से क्या इनपुट चल रही है, इस मसले को भारत कैसे डील कर रहा है, क्योंकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का भारत से बार बार यही मुतालबा है कि भारत इसको सीरियस ले. यहाँ पे जो हरदीप सिंह निजर के कत्ल का जो मामला है, उसकी अभी फाइनल कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई कि हम कह सकें कौन इसके पीछे है. जो आप बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से ही बात की जाती है कि वो एक डिफरेंट नौयत के इंसान थे, लेकिन हम कैनेडियन ये समझते हैं कि जो भी कैनेडा में रहता है और जो भी उसका कैनेडियन सोच विचार का धारा है, वो अपनी जगह पे, मगर उसको यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए. वो चाहे डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से किसी की हलाकत हो या कोई भी रीज़न हो, उसका कारण सामने आना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से हम यही तोको करते हैं कि वो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, जब बातचीत सारी सामने आएगी, तब वो हमें बताएं एविडेंसेस के साथ, फिर हम इस पे बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले दिनों में आपसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमें एकेडमिक लेवल पे और डीप डाउन जो एनालिसिस है इन इश्यूज़ के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. व्यूज बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की. आप टैग टीवी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी चैनल के यूट्यूब पर डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और आप हमारी एप्स भी डाउनलोड कीजिए एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़न पे. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.